तो अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ अबाउट टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स हियर। एक का नाम होता है रिलैप्स और एक का नाम होता है रिक्रूडेसेंस। तो रिलैप्स एग्जाम में क्वेश्चन हुआ था, दिस इज ड्यू टू व्हाट? दिस इज ड्यू टू हिप्नोजॉइड, मतलब मलेरिया ठीक हो गया फिर मलेरिया हो गया, क्योंकि हिप्नोजॉइड क्या कर रहा था, खराटेदार नींद ले रहा था, फिर एकदम से उठ गया, देखा है ये क्या हुआ, सब मलेरियल पैरासाइट गायब, चलो हम फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट इज रिलैप्स। रिक्रूडेसेंस के बारे में बाद में बात करूंगा, तब तक के लिए हम पहले ज़रा ये स्टेजेस ज़रा समझ लेते हैं क्या क्या होते हैं। ये मैंने आपको सारी स्टेजेस बताई तो इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, आई जस्ट टेल यू कि जैसे फीमेल एनोफिलीज ने अगर बाइट करा तो ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट इसके अंदर एंटर कर जाएंगे और फिर जाइकोट बना देंगे। ठीक, अब स्टेजेस की बात करने के लिए हम समझते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो स्टेज एरिथ्रोसाइट्स में होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली हम उसको हम बोलेंगे एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, क्योंकि एरिथ्रोसाइट्स में हो रही है। ठीक है, अब जो स्टेज लिवर के अंदर होती है उसका नाम बेसिकली होता है प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। क्या मैंने बताया था, स्पोरोजॉइट आकर के घुस रहा है, ये स्पोरोजॉइट हुआ, तो अभी वो आरबीसी में गया नहीं है, सो बिफोर एंटरिंग द एरिथ्रोसाइट प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, फिर एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। ठीक, अब दिस जब हिप्नोजॉइट बन जाते हैं इसको कहा जाता है एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, ये एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, और यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स बन गए हैं, दिस इज गैमेटोसाइटिक स्टेज। ठीक है, ये सारी स्टेजेस हैं, इनको आप लोग समझ गए होंगे। अगले एपिसोड में अब ड्रग्स की बात करूँगा। ओके, बाय।